बरेली में एसओजी व कटरा पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय लुटेरों गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस मुठभेड़ में सरगना सहित 15 बदमाश को किया गिरफ्तार। एस आनंद पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहापुर के निर्देश अनुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्र अधिकारी तिलहर के कुशल निर्देश में संयुक्त पुलिस टीम को अपराधियों की धरपकड़ में बड़ी कामयाबी मिली। 15 बदमाश सहित 19,7500 रुपए के आभूषण व 23,400 की नगदी, 2 लग्जरी कार, अपाचे मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल, 10 तमंचे, 27 जिंदा व 10 खोखा कारतूस की बरामद। एक फोन कॉल आया, हमारे जो आरक्षी थे उस समय वहाँ जब थाना जलाला बात थे उनके फोन नंबर पे आया कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो नकाबजनी करता है, कई जगहों पे इन्होंने की है और आज फिर ये 2 गाड़ियों से निकल रहे हैं। ये फतेहगंज पूर्वी साइड से निकलेंगे और कटरा होते हुए जाएंगे। इस पर अगर आप लोग कार्रवाई करेंगे तो आपको बहुत बड़ा कैच मिल सकता है। ये कौन था क्या था इसकी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों आरक्षियों ने बहुत जिम्मेदारी से इसको अपने इंस्पेक्टर को बताया, उन्होंने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और इन लोगों ने इसको प्लान किया बकायदे। और चूँकि सूचना ये थी कि 2 गाड़ियां हैं और 10-15 लोग हैं, तो इस आधार पर पूरे तिलहर सर्किल की फोर्स इकट्ठा की गई और SPRA और CO तिलहर ने इसको पूरा ऑपरेशन प्लान किया इसको कि कहाँ गाड़ाबंदी करनी है और कैसे इनको इंटरसेप्ट करना है। ये भी सूचना थी कि इनके पास वेपन्स भी काफ़ी हैं और इसलिए हमारा बचाव भी ज़रूरी है, हमारी सुरक्षा भी आवश्यक है। इसके हिसाब से इसको प्लान किया गया, गाड़ाबंदी की गई और जैसे ही वो गाड़ी क्रॉस हुई उद्योग ने बताया कि यही गाड़ियाँ हैं। इसके आधार पर पीछा किया गया थाना कटरा पुलिस द्वारा और जिस पर अभी जो अभियुक्त थे उसमें जो बदमाश थे उन्होंने फायर किया पुलिस पार्टी पर, लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत के साथ उनका पीछा जारी रखा। आगे जो 3 ऑलरेडी डिप्लॉयड थी उनको अलर्ट किया गया और इसके आधार पर उनकी घेराबंदी की गई और थाना जलालाबाद रोड पे खैरपुर के पास इनको इंटरसेप्ट किया गया। इंटरसेप्शन के दौरान भी ये अपराधियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा अपनी ओर से भी जो कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, जो फील्ड टैक्टिक्स के तरीके हैं, उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए इनको बहुत हिम्मत और साहस के साथ इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होते ही इनके द्वारा तत्काल जो आवश्यक बल प्रयोग है उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। उस पर उन्होंने कई जनपदों में घटना कारित करना बताया और उनके द्वारा यह भी बताया गया कि ये जो माल है इसका जो उन्होंने नकबदनी से किए हैं वो एक कल्लू नाम का सुनार है जो उसी वक्त उनके साथ ही था, तो उनके यहाँ हम लोग रखते हैं और अपने अपने हिसाब से उसको बिक्री करके और पैसे उसके ले लेते हैं। तो इस आधार पर उनको थाने पर लाकर इनसे पूछताछ करने के बाद वहाँ पर पुनः टीम गई और उसकी रिकवरी हुई। रिकवरी में करीब 330 ग्राम सोना, 33 भर जिसको कहते हैं सोने के आभूषण बरामद हुए हैं और इसके अलावा 5 किलो से अधिक चांदी बरामद हुई, चांदी के आभूषण बरामद हुए। बाकी जो और पूछताछ हुई उसके आधार पर इन्होंने बताया कि हमने जनपद शाहजहाँपुर के थाना पुवाया क्षेत्र में, मदनापुर में, कटरा में और सदर बाज़ार में घटनाएँ की हैं। इसके अलावा जनपद सीतापुर में, प्रतापगढ़ में, वाराणसी में, जौनपुर में और अन्य और भी जनपदों में इनके द्वारा घटनाएँ की गई हैं। इसके अलावा और भी राज्यों में इनके द्वारा घटनाएँ की गई हैं, बिहार में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में। तो पैरेलली जो हमारा जो सर्विलांस टीम है उसको भी एक्टिवेट किया गया और इनके जो भी नंबर्स उसमें अवेलेबल हुए सुबह जैसे मुठभेड़ हुई तो उनके कॉल डिटेल्स इत्यादि मंगाए गए और उनको भी तस्दीक किया गया। संबंधित जनपदों में उनकी लोकेशन जैसा उनके द्वारा बताया गया उसके आधार पर होना पाए जाने पर उन जनपदों को भी सूचित किया गया है। जनपद प्रतापगढ़ और जनपद सीतापुर की जो फोर्स है वो चूँकि नज़दीक है तो वो लोग पहुँच गए हैं और उनसे भी वो अपनी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी मोटर सप्रेंडा ये है, ये लग्जरी गाड़ियाँ रखते हैं, ये गाड़ियों को किराए पर भी चलाते हैं और उसके अलावा इन घटनाओं में भी उनका प्रयोग करते हैं। लग्जरी गाड़ी से चलने का एक एडवांटेज ये रहता है कि चेकिंग के दौरान किसी को शक नहीं होता है, ये उस गाड़ी से ट्रैवल करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं की रेकी नहीं होती है, ये जहाँ जाते हैं रास्ते में ही ये मकान सेलेक्ट कर लेते हैं, इन मकानों में संभावना है, उसके बाद गाड़ी कस्बे में लगा लेते हैं। शाम को उसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं, रात 10 बजे के आसपास वहाँ उस मौके पर पहुँचते हैं।
एक जगह तय हो जाती है कि किस जगह पे 3:30 बजे सुबह मिलेंगे, तो उसके बाद वापस वो गाड़ी ले जा किसी ढाबे खड़ी कर लेता है। ये लोग घटनाएँ करते हैं, अपने कपड़े इत्यादि वो गाड़ी में उतार के रख देते हैं, केवल एक कच्छा और बनियान ये पहनते हैं। ये घरों में आने जाने और लोगों के जगने या सोने के बारे में इनके बड़े क्लियर सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही हार्ड जो प्रोफेशनल इस तरह के नक्शे होते हैं वो हैं। बेसिकली ये पंखियाँ जो यहाँ का जो जनजाति है उसको बिलोंग करते हैं, अपना टाइटल अंसारी हालांकि लिखते हैं ये, लेकिन पंखियाँ है जो कई गाँवों में इनकी आबादी है, उस कम्यूनिटी को बिलोंग करते हैं ये मैक्सिमम। इनमें से दो ऐसे हैं जो अन्य जात के हैं, अदरवाइज सारे लोग इसी पंखिया बरादरी के हैं, जो जिनका ये पेशा ही है जराए, ये शुरू से यही काम करते आए हैं। थोड़ा सा होश संभालने के बाद तो आज भी ये इसी तरह से किसी जनपद को जा रहे थे, जाते समय ये कभी भी ये तय नहीं होता कि फला जगह ही घटना करनी है, वो निकलते हैं रास्ते में जो भी उनको ठीक लगता है वहाँ वो टारगेट अपना फिक्स करने के बाद रात में ये अपनी घटनाएँ करते हैं। बाकी जो जनपद हैं वो तो हम लोगों ने सूचित कर दिया है, वहाँ भी अपने अपने हिसाब से वो लोग कार्रवाई जो विधिक कार्रवाई इसकी होगी वो करेंगे। संबंधित राज्यों में सूचना देने की स्थिति इस वक्त इतनी नहीं है क्योंकि ये जनपद नहीं जानते हैं कि किस जनपद में किस थाना क्षेत्र में उन्होंने घटना की है, तो वो इनके कॉल डिटेल से और अभी एनालिसिस होने के बाद अभी उनको भी सूचित किया जाएगा। ये कल सुबह इनको जेल रवाना किया जाएगा, तब तक हमारे पास समय, तो उस आधार पर वहाँ भी हम लोग सूचित करके आगे कार्रवाई करेंगे। सर, गैंग का सरगना कौन है और जो एक सर्राफा व्यवसायी पकड़ा गया है उसका क्या रिकॉर्ड है? ये सरगना नहीं है, ये एक्चुअली ये है कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो इन सभी के माल खरीदता है। अगर इनके क्वालिटी में प्रथम दृष्टया इतनी बात समझ में आई है कि एक अपराधी है इसमें सुखपाल, उसके पिछले 6 माह में 256 कॉल हैं एक इसी सर्राफा जो दुकानदार है कल्लू से। इसी प्रकार अन्य अपराधियों के भी इसके नंबर पर कॉल्स हैं, आपस में 20-25 कॉल्स हैं। ये करते क्या है, जैसे घटना करने के बाद इसको सूचित करते हैं, ये आते हैं, ये जाता है वहाँ, उसके बाद फिर जो माल होता है उसकी तौल होती है, उसके बाद इसे वो टंच कराता है, टंच कराने के बाद जितना सोना है उसका सोना वो बिक्री करके उसके बदले में वो नया ला के अपनी दुकान पर रखता है। ये इसकी मोटर सप्लेंडाई है, काफ़ी माल इसने ऐसे ला के रखा हुआ है। इसके अलावा बाकी जो घटना करने के जो माल हैं जो अभी आपके सामने डिस्प्ले भी हुए थे, तो वो अभी इसकी बिक्री होनी है। कुछ जो नए से प्रतीत हो रहे हैं वो ऑलरेडी इनको बेच करके उससे जो सोना इसने बदला है वो है। ये बहुत वेल प्लान्ड और बहुत वेल एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन था। इसके बारे में हम लोगों ने तत्काल जैसे ही इंटरसेप्ट हुए और इनके बारे में जानकारियां मिलने लगी, हम लोगों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और हमारे यहाँ पर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन महोदय द्वारा पुलिस की इस कार्रवाई के लिए 1,00,000 रुपये का पुरस्कार उन्होंने घोषित भी किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इनकी लिखा पड़ी होती है तो इसका नक्शा इनाम हम भर के भेजिएगा, जो भी इसको इसमें पुलिसकर्मी जो शामिल रहे हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। कप्तान साहब, ये पंखिया समुदाय के इसमें ज़्यादा लोग हैं, उसके बावजूद ये एक हिस्सा गाली माँ को चढ़ाते थे और अगली चोरी के लिए ये निर्धारण करते थे। ये देखिए, अलग अलग इस तरह के जो ट्राइब्स हैं उनके अलग अलग बिलीफ हैं। तमाम इस तरह के ट्राइब्स हैं जो इंडिया में बहुत समय से इसी पेशे में, बहेलिए हैं, कंजड़ हैं, बावरिए हैं, भातु हैं, इस तरह के बहुत सारे हैं, 6 मार कंजड़ हैं, शेख बंगाला बोलते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे इस तरह के समुदाय हैं जो इसी पेशे में हैं और उनके अपने अपने बिलीफ्स हैं। कुछ लोग का मोटर सप्लेंडाई ये होता है, घर पे जाते हैं तो मार देते हैं लोगों को अनावश्यक रूप से, भले बुजुर्ग हों, उनका ये मानना है कि अगर मारेंगे नहीं तो उनको नहीं फलता है जो वहाँ से ये लोग ले जाते हैं मार। तो अलग अलग बिलीफ हैं, तो उनके भी इस तरह के बिलीफ हैं, कुछ हिस्सा उनको ये अपने जो देवता है उनको चढ़ाने के बाद आगे कार्रवाई करते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।